हेलो स्टूडेंट, आज है 22 मई 2023 और आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम इसी तरह के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपडेट करते रहते हैं। चलते हैं हमारी आज की मोटिवेशन लाइन पर। हमारी आज की मोटिवेशन लाइन है, वक्त तुम्हारा है, सपने भी तुम्हारे हैं, चाहो तो सोने में बिता दो या सोना बनकर दिखा दो। इस बात पर एक लाइक बनता है, आप एक इस मासूम बच्चे का देखकर ही एक लाइक कर दो। अगले प्रश्न सीरीज में हमारे कल के जो प्रश्न थे उसका रिपीट कर लेते हैं। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस कब मनाया गया? तो 20 मई को यह दिवस मनाया गया। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किसे किया? अंजुम मोदगिल, जो राइफल निशानेबाजी से संबंधित है। हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल उद्घाटन कहां हुआ? तो तमिलनाडु में पुल का यह उद्घाटन हुआ। चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा प्रारंभ किया? सही आंसर म्यांमार। एक्सपो 2023 संग्रहालय, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया ये। अगला, चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश के नौसेना ने PSI तैनात की? तो भारत ने अपने जहाज को नियुक्त किया। KV विश्वनाथन और किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली? तो सही आंसर प्रशांत मिश्रा। तुल भवानी जी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड इस्तेमाल किया, ये मंदिर कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में ये मंदिर है। BSSA का 2 दिवसीय खेल सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो पटना में हुआ ये शुरू। 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने रहेगी? ये अनुमान लगाया कितना है? ये 6.2। चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया? तो सही आंसर 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। हाल ही में सागर परिक्रमा का पांचवा चरण महाराष्ट्र के किस शहर में हुआ? तो सही आंसर होगा रायगढ़। महाराष्ट्र के रायगढ़ शहर में सागर परिक्रमा का पांचवा चरण प्रारंभ हुआ। महाराष्ट्र की बात आती है तो महाराष्ट्र के कुछ फैक्ट देख लीजिए। अभी तुल भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के ड्रेस कोड बनाई गई। महाराष्ट्र ने समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की। सलोखा योजना महाराष्ट्र में लागू की गई। विकलांग कर्मचारियों को 4% आरक्षण की घोषणा की गई, यही महाराष्ट्र की बात है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों में महाराष्ट्र कौन से स्थान पर है? 19वें स्थान पर है। और लातूर में इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? सही आंसर होगा जद्दा। जद्दा में ये 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया। सऊदी अरब की और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सऊदी अरब ने $800 अरब में अभी मेगा प्रोजेक्ट मुकाब की घोषणा की। सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन है? ये आपको ध्यान रखना है, पहली महिला है रायना बरनावी। पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नासर फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं अभी, तो इन फैक्ट को अपने को याद रखना है। और याद रखने की चीजें हम कंटिन्यू करते रहेंगे। 2023 में गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस नए खेल को शामिल किया गया? तो सही आंसर होगा गतका मार्शल आर्ट। ये खेल जो है
श्री भारतीय ओलंपिक में अभी जो 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में शामिल करने की मंजूरी दी इस खेल को, और प्रारंभ गतका और लागेरी का प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया गया है। 37वां जो राष्ट्रीय खेल ये कहाँ आयोजित होगा, ये गोवा के अंदर आयोजित होगा। इसको हमें ध्यान रखना है। राष्ट्रीय खेलों में 43 खेलों का आयोजन होगा। कितने खेल इसमें शामिल होंगे? 43 खेल शामिल होंगे। और इसके अंदर जो 37वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार और कौन कौन से खेल हैं? फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेप कटकारा, इस मार्शल आर्ट, कलियारपट्टू और पेनकॉक सिलाट मेडल खेल होंगे। और पहले जो राष्ट्रीय खेलों से बाहर निकाले गए थे नौकायन और ताइक्वांडो, इनको वापस से शामिल कर लिया गया इसके अंदर। तो इसको हमें याद कर रखना है, नौकायन और ताइक्वांडो। हाल ही में केवीआईसी द्वारा तवांग की कितने साल पुरानी हस्तनिर्मित कागज बनाने की कला को पुनर्जीवित किया गया? तो सही आंसर होगा 1000 साल पुरानी ये जो हस्त निर्मित कागज कला है, इसे वापस जीवित किया गया। हाल ही में किसकी पुस्तक गट्स ए एमाइट ब्लड बाथ द अंशुमान गायकवाड नैरेटिव का विमोचन हुआ, ये किसकी पुस्तक है? तो सही आंसर होगा आदित्य भूषण की ये पुस्तक है जो क्रिकेट से संबंधित है। अभी कुछ पुस्तकें लिखी गई थी उनके बारे में चर्चा करते हैं। गौरी खान ने लिखी है माई लाइफ इन डिजाइन लॉन्च। कस्तूरी की पुस्तक हमें याद रखनी है जो द्रौपदी मुर्मू फॉर्म ट्राइबल हिटर्स लैंड टू रायसेना हिल्स है। के शैलजा की पुस्तक का नाम है माई लाइफ एज ए कॉमरेड। और अमिताभ कांत की पुस्तक का नाम है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। और अमिताभ घोष की जो पुस्तक है उसका नाम है स्मोक एंड एसेज। इन पुस्तकों का हमें याद रखने की जरूरत होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस ने कॉन अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? तो सही आंसर होगा डॉक्टर एल मुर्गन। डॉक्टर एल मुर्गन ने इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में एक साल में टेस्ट, T20, वनडे और IPL में शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शुभमन गिल। इन्होंने एक ही साल में T20 और टेस्ट और वनडे के अंदर शतक बनाया है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किरण रिजिजू, जो पहले कानून मंत्री थे उनको अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का भार दिया गया। हाल ही में हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? दोस्तों SP पगेल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा SP सिंह बघेल। ये जो गलती हुई किरण रिजिजू का मैंने बता दिया आपको, इसका सही आंसर होगा SP सिंह बघेल। ये इन्होंने तभी किरण रिजिजू को कानून मंत्री जो थे उन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? OP हिंदुजा, SP हिंदुजा, अजय हिंदुजा। तो सही आंसर होगा SP हिंदुजा। हाल ही में नासा में भूस्थानिक फाउंडेशन मॉडल के किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो सही आंसर होगा IBM। हाल ही में दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड जीते? तो दोस्तों सही आंसर होगा 16। 16 गोल्ड से भारत को नवाजा गया। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस देश ने हेलमंद नदी के पानी के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अफगानिस्तान को चेतावनी जारी की है? सही आंसर होगा ईरान। ईरान ने अफगानिस्तान को चेतावनी दे दी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में करते हुए पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया? सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। इन्होंने करते हुए पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किया है। हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और गूगल को उनकी वेबसाइट पर पोस्ट कंटेंट के लिए उत्तरदायी नहीं माना? तो इसका सही आंसर होगा यूएस। यूएस कोर्ट ने ट्विटर और गूगल को उनकी वेबसाइट पर पोस्ट कंटेंट के लिए उत्तरदायी नहीं माना है। आज का हमारा प्रश्न है, हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने PSI विमान तैनात किया? इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में देना है और विद डिस्क्रिप्शन के साथ देना है। और हमारा जो कल का प्रश्न था वह है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा शोभा मंडल को नियुक्त किया गया और काफी जनों ने इसका आंसर सही दिया। हम ऐसा ही आपसे आशा करते हैं कि आप कंटिन्यू हमारे प्रश्नों का आंसर देते रहे।